पीजीडीसीए की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पीजीडीसीए के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं समझाइए। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सबसे पहले तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको YouTube सजेस्ट करे। यदि आप PGDCA कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो जो PGDCA का सिलेबस होता है उसमें ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, PGDCA में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन है कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसे आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है जिसमें कि होती है इनपुट डिवाइस, जिससे हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। जैसे अभी मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ या डेस्कटॉप चला रहा हूँ, तो जो कीबोर्ड होता है उससे मैं टाइप कर रहा होता हूँ या माउस से क्लिक करके इस प्रेजेंटेशन को चला रहा होता हूँ, तो यहाँ से मैं आंकड़ों को कंप्यूटर में इनपुट करता हूँ, तो ये सारा काम होता है इनपुट डिवाइस से। तो कंप्यूटर में होती है एक इनपुट डिवाइस। इसके बाद इससे डेटा जाता है सीपीयू में। सीपीयू के अंदर तीन चीज़ें होती हैं जिसके अंतर्गत मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे और समझेंगे। इसके बाद जब सीपीयू इन सारी चीजों को प्रोसेस करता है तो रिजल्ट को आउटपुट के रूप में दिखलाता है। जैसे हम यहां पर प्रेजेंटेशन बना रहे थे तो हमने डेटा को इनपुट किया। इनपुट करने के बाद प्रेजेंटेशन जो है वो मॉनिटर में आउटपुट के रूप में दिखलाई दे रहा है। इसी प्रकार से इस प्रेजेंटेशन का हम प्रिंटर की सहायता से हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो वो सारी डिवाइस जिससे प्रिंट निकलता है या दिखाई देता है हमको, जो भी हमने इनपुट किया हुआ है, वो सारी डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्या बतलाना है, आपको ये डायग्राम बनाना है और उसके बाद इन डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके अलग-अलग टॉपिक्स को। तो चलिए और आगे हम समझते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए, या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं समझाइए। ठीक है, तो आपको यही डायग्राम बनाना है और उसका आंसर लिखना है। अब इसके बाद इनपुट डिवाइस और डिटेल में हम समझते हैं। जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हमने अभी यहाँ पर देखा डायग्राम में, इनपुट डिवाइस भी सभी डिवाइस होती हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक पहुँचाते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, वो भी स्कैन करके किसी इमेज को कंप्यूटर में पहुँचाता है, इसलिए वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा मॉल वगैरह में प्रोडक्ट के प्राइस को स्कैन करके और उसके डेटा को कंप्यूटर में लेकर के आया जाता है। डिजिटल पेन इस प्रकार से होता है जिससे कि लिख करके जो सिग्नेचर है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आ जाता है। वेब कैम होता है जो हमारे वीडियो को वो क्या करता है, कैप्चर करके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। स्कैनर होता है, ये भी एक इमेज को, एक प्रिंटेड पेपर को स्कैन करके इमेज के रूप में कंप्यूटर में पहुँचा देता है। कीबोर्ड और माउस होता है। तो ये सारी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होती हैं जो कि एक कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट होती हैं, जो कि अभी आपने ब्लॉक डायग्राम के रूप में देखा। इसके बाद आता है डेटा कहाँ पहुँचा, सीपीयू में। सीपीयू क्या होता है इसे समझते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। जो भी आपने डेटा इनपुट किया उसको ये एग्जीक्यूट करेगा, उसको ये प्रोसेस करेगा और कंप्यूटर के समझने वाली भाषा मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा, फिर हमारे समझने वाली भाषा में आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइस के
कार्यों को भी नियंत्रित करता है। सीपीयू के अंतर्गत तीन भाग होते हैं जैसा कि आपने कंपोनेंट में देखा है, और वो कौन कौन से भाग होते हैं सीपीयू के अंतर्गत, ये सीपीयू का भी आप देख सकते हो इस तरीके से, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसके बाजू में एक सीपीयू होता है। इस सीपीयू के बॉक्स को हम कैबिनेट भी बोल सकते हैं, अगर हम इसको खाली कहीं देखते हैं तो ये कैबिनेट है, लेकिन इस कैबिनेट के अंतर्गत जब पूरा सिस्टम असेंबल हो जाता है तो उसके अंतर्गत तीन प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसके कारण कि कंप्यूटर काम करता है, ALU, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, क्या होती हैं समझते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया इसका ब्लॉक डायग्राम, फिर से यहाँ पर बतलाया गया है अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट। जी हाँ, बीच में देख लीजिए क्या होता है, अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट को संक्षेप में ALU भी कहते हैं। यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग और तार्किक क्रियाएं करती हैं। जो भी कंप्यूटर में हम लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, जो भी कंप्यूटर में हम अंकगणितीय क्रियाएं करते हैं, वो CPU में एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसी के कारण कंप्यूटर ये सारी जोड़ना घटाना गुणा भाग कंप्यूटर कर पाता है। इसके बाद दूसरी यूनिट होती है मेमोरी यूनिट। हमको मालूम है कंप्यूटर में हम अपनी फाइल को बना करके सेव कर सकते हैं, या कंप्यूटर जब भी रन हो रहा होता है तो कंप्यूटर में एक मेमोरी की आवश्यकता होती है जिसके कारण वो आउटपुट को दिखलाता है, उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट या प्राइमरी मेमोरी। इसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी होती है जहाँ पर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। आजकल तो मोबाइल में सभी लोग जानते हैं कि एक रैम होती है और एक जो है हम कार्ड वगैरह जो है वो अलग से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करके रखता है, अतः इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, जब कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं, अभी ये PPT चल रहा है, तो ये PPT इसी कारण से चल रहा है क्योंकि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी में ये प्रेजेंटेशन लोड हो गया और हम इसका आउटपुट देख पा रहे हैं। इसे रैम भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है CU, कंट्रोल यूनिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। CU हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और ALU के मध्य डेटा के आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है। तो ये काम होता है किसका, CU का, कंट्रोल यूनिट का, कि जो भी हार्डवेयर की क्रियाएं हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, इनको मैनेज करना, ये काम होता है किसका, कंट्रोल यूनिट का। तो यहां पर हमने देखा कि एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में बतलाइए या कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और हर एक चीज को इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। आप यहां पर देख सकते हैं ये सारी आउटपुट डिवाइस हैं जो CPU के बाद अब आती हैं लास्ट में, आउटपुट जिसमें हम दिखाते हैं। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और साउंड स्पीकर हो गया। साउंड स्पीकर में साउंड के रूप में आउटपुट आती है, प्रोजेक्टर में कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्टेड होता है और आउटपुट आपको दीवार में प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है, प्लॉटर में प्रिंटेड फॉर्म में आता है। इसी प्रकार से मॉनिटर में तो हम आउटपुट देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी आउटपुट डिवाइस होती हैं जो कि कंप्यूटर के कंपोनेंट के अंतर्गत आती हैं और कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत आती हैं। अभी हमने सीखा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बतलाना चाहता हूँ कि यदि आप डेली हमारी PGDCA की क्लासेस इसमें हुआ करेंगे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि PGDCA का जो आप क्लास अटेंड करेंगे, डेली एक क्लास अटेंड करेंगे, इस क्लास को अटेंड करने के साथ साथ आपके पास एक डिप्लोमा भी आ जाए, जी हाँ, आपके पास घर बैठे ऑनलाइन एक डिप्लोमा भी आ जाए, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माई कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस कोर्स में आप PGDCA कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको पढ़ने के लिए इसी प्रकार से पूरा PGDCA फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का वीडियो कंटेंट भी मिलेगा और नोट्स भी मिलेंगे, और उसके बाद आपको मिलेगा इसका डिप्लोमा। जी हां, इसका आपको मिलेगा डिप्लोमा जो कि कई गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में मान्य भी होगा। तो यदि आप पढ़ाई के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले माय कंप्यूटर कोर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कोर्स को ज्वाइन करने के बाद डिप्लोमा को अपने घर मंगवाइए। तो अभी जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।